तो लेट स्टार्ट विद डायरी राइटिंग कीप इन माइंड फार्मेट ठीक है ए सी सी के जितने भी क्वेश्चन है द फॉर्मैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है आप डेट कहाँ लिखते हैं या फिर अपना नाम कहाँ लिखते हैं विद रिगार्ड टू लेटर हो चाहे वो क्या है नोटिस राइटिंग हो सो कीप द फॉर्मैट इन माइंड क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सो लेक यू नो हर चीज़ के मार्क्स होते हैं तो इवन इफ अगर आपका कॉन्टेंट कंटेंट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है उसमें आपने गलतियाँ की हैं बट इफ ए फॉर्मैट इज़ राइट तो जैसे अगर लेटर राइटिंग क्या है यू विल हैव इट फॉर लाइक टेन मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर इवन इफ योर कंटेंट इज़ नॉट दैट गुड बट अगर आपने फॉर्मेट सब सही चीज़ लिखा है डेट सही जगह दिया है एड्रेस सही जगह लिखा है सो so उसी के आपको क्या है कुछ कम से कम दो तीन नंबर तो मिल ही जाएंगे राइट सो फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड तो डायरी में आप जैसा देख सकते हैं इट्स वेरी सिंपल आपको क्या है डेट लिखना है टाइम अगर लिखना चाहते हैं आप ऑप्शनल है और उसके बाद आप क्या है जो आपका जो मेन कंटेंट है जो कि बेसिकली डायरी क्या है इट्स लाइक अ पर्सनल रिकॉर्ड यू नो ऑफ इवेंट्स, जैसे दिनचर्या के बारे में या जर्नल यू नो पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, थॉट्स, आइडियाज़ जो भी आपके ख्याल आते हैं आइडियाज आते हैं या फिर दिन में क्या क्या होता है आपके क्या बीतती है वो सब आप डायरी में लिखते हैं यू नो एंड इट्स पर्सनल डायरी इज सपोज टू बी रेड ओनली बाय यू और किसी के लिए नहीं है वो आपका अपना एक जर्नल है अपने लिए है यू नो सो दैट इज़ वाई जैसे आपके सीनियर्स यू नो दे टू डू मेक लॉड ऑफ मिस्टेक्स जैसे वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते थे पहले कि माई नेम इज़ दिस या फिर अपने फादर्स uh, का फादर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सो ऑल ऑफ दैट इज़ अननेसरी ये डायरी क्या है बस आपके अपने लिए यू डोंट हैव टू शो इट टू एनी वन सो यू सिंपली राइट योर थाट्स आपको ऐसे लिखना है जैसे कि ये क्या है आप किसी को ये दिखा नहीं रहे हो बस अपने लिख लें सो टिपिकल क्वेश्चन उस तरह का आएगा जैसे आपको कुछ पॉइंटर्स दे दिए हैं कि यू आर एक्स या फिर वाई एंड आज आपके स्कूल में ये हुआ या दिन में ये ये हुआ और उसका क्या है आपको एक डायरी एंट्री लिखना है वेरी सिंपल कुछ ये छः नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में सो जस्ट कीप द फॉर्मेट इन माइंड एंड अदरवाइज इज वेरी सिम्पल और बाकी जैसा कि आई विद ऑल दीज एक्सरसाइजेज एज वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस वीडियो कीप दिक्स डब्ल्यूज़ इन माइंड जो वॉट हुएर वन हाउ जहाँ पर भी आपको राइटिंग स्किल्स की जरूरत हैन जस्ट थिंक अबाउट इट की क्या लिखना है क्यों लिखना है ऑल ऑफ दैट और बिगिनिंग मिडिल एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ठीक है इट विल हेल्प यू सो विद रिगार्ड टू डायरी राइटिंग आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज जैसे दो ऑप्शन है आपको एक डायरी राइटिंग है डायरी एंट्री लिखनी है इधर यू कैन राइट अबाउट टिपिकल डे जैसे आपके दिनचर्या में क्या चल रहा है आप सुबह से रात तक क्या करते हैं किन से मिलते हैं एक टिपिकल दिन के बारे में आप लिख सकते हैं और यू कैन यू नो ऑल्सो इमेजिन आप एक इमेजनरी दिन बना सकते हैं कि आपके साथ यू हैड सम ग्रेट एडवेंचर कुछ अलग ही हो गया आपके साथ एंड यू राइट अबाउट दैट डे सो वेरी सिंपल डेट टाइम जो जो हुआ रिकॉर्ड बिल्कुल जैसे कि आप किसी दोस्त को बता रहे हैं एंड देन फाइनली क्या है योर नेम दैट्स इट डन नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा समरी समरी क्या है सार जैसे ये चीजें आप कर ही रहे हैं लाइक यू नो एंड दिस वी विल एक्सप्लोर मोर इन योर लिटरेचर पेपर ऑल्सो जो आपका दूसरा पेपर है तो जैसे कोई भी कहानी है घटना है कुछ भी है उसका आपको क्या है कंसाइस जैसे अगर इतनी बड़ी कहानी है तो आप उसका जो सार है जो मेन है समरी है वो आपको लिखना है तो लिटरेचर कोर्स में होगा ये जैसे आपके जो भी स्टोरीज़ है कोर्स में तो उसका आपको समरी लिखना पड़ेगा सो इस पर हम काम करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल एक पैराग्राफ में मान लीजिए आपको पूरा क्या है कहानी का So, uh, सार देना है फॉर इंस्टेंस यू नो एनी बुक यू बाय कोई नावल वगैरह आप देखा होगा तो किताब के पीछे क्या है हमेशा एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें इट टेल्स यू ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द बुक कि किसने लिखी है राइटर के बारे में थोड़ा बहुत एंड देन वॉट द बुक इज़ अबाउट सो उस तरह की चीज़ें ठीक है जैसे कहानी में भी इफ़ यू हैव टू फॉर इंस्टेंस किसी स्टोरी का आपको क्या है समरी देना है सो बेसिकली यू वॉन्ट फोकस अलॉट ऑन द डिटेल्स एंड द कैरेक्टर्स आप प्लॉट पे फोकस करेंगे जैसे रामायण का अगर समरी देना है तो आप प्लॉट बताएंगे जो हमने क्या है एक प्रीवियस अलग वीडियो में बात की है उसके बारे में कि जस्ट द मेन जो ढांचा है कहानी कैसे शुरुआत से अंत तक पहुंचती है मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं और बीच बीच में आपको बेसिकली एक जो ब्रॉड आउटलाइन देना है टू गिव द स्केलेटन ऑफ द स्टोरी सो so, डिटेल्स नहीं देने जैसे लाइक यू नो आप ये नहीं बताएंगे कि राम किस किस से मिला या फिर यू you नो know, क्या क्या किया उन्होंने रास्ते में रोए पड़े लड़े जो भी बट आप सीधा बताएंगे कि क्या है राम सीता गॉट किडनेपड एंड देन राम हैड टू लाइक यू नो टेक रिवेंज एंड फिर क्या है वॉर हुआ सो वेरी सिंपल सिम्पल विल वर्क मोर ऑन दिस और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है नोट मेकिंग सो विद रिगार्ड टू योर ए पेपर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा या तो समरी या फिर नोट मेकिंग सो कीप दैट इन माइंड दस नंबर का सवाल आएगा ये यू इधर यू नो फोकस ऑन समरी और नोट मेकिंग अगेन नोट मेकिंग नॉट मच टू से योर कॉलेज स्टूडेंट्स यू शुड नो व्हाट नोट मेकिंग इज़ बेसिकली यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेफिनेशन कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में यू कैन यू कैन मेक नोट्स अबाउट एनी नो यू कैन मेक नोट्स अबाउट लेक्चर uh, जैसे वो तो करते ही हम क्लास व्लास वाला बट अदरवाइज किसी किताब के नोट्स बना सकते हैं आप किसी मूवी के नोट्स बना सकते हैं सो लाइक यू नो तो दीज आर थिंग्स वेली यू नो यू जैसे डायरी इज द वेरी पर्सनल थिंग ये चीज़ें क्या है समरी नोट मेकिंग नोट इसल सो दीज आर मोर यूटिलिटेरियन यानी यूटिलिटी ये काम के यू नो दे इज दैट काम वाला चीज़ किसी और को आप इंफॉमेसन दे रहे हैं और समथिंग लाइक दैट स्पेशली विद रिगार्ड टू नोट बट एनी हाउ सो नोट मेकिंग में आपके लिए एक और एक्सरसाइज है कि क्या है अभी तक मैंने जितने भी आपके लिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए वीडियो शेयर किए हैं मेक नोट्स आउट फॉर एनी वन लेक्चर यू नो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पॉइंट्स क्या क्या है अलग अलग टॉपिक्स को आप डिवाइड कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी वाला जो लेक्चर था सो देन यू कैन यू नो डिवाइड इं टू पार्ट्स प्लॉट अलग ये सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू नो उसमें पैराग्राफ्स नहीं है नोट मेकिंग इज अबाउट पॉइंट्स एंड वेरी कंसाइज कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम शब्दों में और बिल्कुल एक प्रजेंटेबल मैनर में कि एक पेज में आपको पूरा समझ में आ जाए राइट सो दैट्स अनदर एक्सरसाइज एंड फाइनली नाउ लेट्स मूव ऑन टू नोटिस राइटिंग आप स्कूल टाइम से देख रहे हैं कॉलेज टाइम में भी अभी लाइक यू नो नोटिस बोर्ड जहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखती है नोटिस का काम ही वो है फॉर एनी लाइक यू नो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस तरह की जगह में या फिर पब्लिक स्पेस में आप क्या है एक किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कई आपने ऑलरेडी स्कूल में ये सब किया होगा लाइक यू नो नोटिस इन्फॉर्मेशन लॉस्ट एंड फाउंड कि मुझे किसी का क्या है फ़ोन मिला है यहाँ पे इट्सेट्रा एट्सेट्रा संपर्क करें कई नोटिस होते हैं तो आपको टिपिकली क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा आएगा कि यू नो यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज या फिर जो भी है एंड इन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे क्या है एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है सो देन यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ये 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 स्टूडेंट्स क्या क्या इन्फॉमेसन होगी क्या हो रहा है ब्लड कैंप हो रहा है कब हो रहा है वन इज़ इट हैपनिंग टू डेज आफ्टर व डेट टाइम वेयर ऑडिटोरियम और क्या है सो ऑल दीज डिटेल्स यू नो हाओ ये सब जो भी है कि हाओ यानी किससे हु किससे संपर्क करें किसको नाम देना है रजिस्टर करना है क्या डिटेल्स है जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है सो फर्स्ट यू कैन यू नो इट्स ऑप्शनल वैसे तो सिंपली यू कैन स्टार्ट विद से नोटिस ऊपर आप ब्लॉक लेटर्स में लिखे कैपिटल लेटर्स में यू स्टार्ट विद दैट उसके बाद अगर आप देना चाहें तो कुछ हेडिंग भी दे सकते हैं जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप इन जी सी भरमोर या फिर सिंपली इवन इफ यू डोंट राइट अ हेडिंग इट्स ओके उसके बाद क्या है डेट एंड देन फाइनली जो आपकी इंफॉर्मेशन है अगैन रेफर टू द दिक्स डब्ल्यूज़ जितना कम अगेन दिस इज़ अ ये काम यूटिलिटेरियन थिंग सो याद रखिए जितने कम शब्दों में हो सके उतना सेम विद समरी नोट मेकिंग एंड नोटिस इन एज लेस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स मिनिमम वर्ड्स ठीक है मिनिमम स्पेस फाइनली जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है देन यू साइन योर नेम जो भी अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है नाम सो यू राइट दैट नेम और एल्स यू कैन राइट एक्स वाई जेड जो आपकी जो पोस्ट है जिस हैसियत से आप लिख रहे हैं प्रेजिडेंट सेक्रेटरी जो भी एंड फाइनली नीचे आप क्या है कॉलेज या संस्था का नाम दे सकते हैं सो दैट्स अबाउट इट एंड ये जो दो आपको एक्सरसाइजेज मैंने दी है प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने लिए यू you नो know, आजकल इट्स डिफिकल्ट टू लाइक यू नो कलेक्ट पेपर्स एंड ऑल बाकी क्या है यू कैन ऑलवेज़ व्हाट्स एप देम टू मी कुछ बच्चों ने ऑलरेडी किया है पिछली एक्सरसाइज भी ये देखिए अब यूर कॉलेज स्टूडेंट्स आई एक्सपेक्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ आप एक्सरसाइजिज कीजिए मुझे भेजिए एंड आई विल गो थ्रू दैम एंड एज ऑलवेज़ एनी क्वेश्चन लेट मी नो थैंक यू